नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम हर फेस्टिवल पे कुछ करता है खास। होली फेस्टिवल आ रहा है तो हम लोग लखनऊ के कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में आमिर रजा जी हैं, जो कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से हाल ही में उनको प्रवेश प्रवक्ता का पद दिया गया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो आपको संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रवेश प्रवक्ता बनाया गया है, तो सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो होली की सबको बधाइयां देना चाहेंगे और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संगठन में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत व्यापारी हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये संगठन अपने पूर्ण रूप से काम कर रहा है और आने वाले टाइम में जो भी वर्किंग होगी हम लोग सरकार जैसे कि काम कर रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या और भी व्यापार से रिलेटेड है, वो काफ़ी जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब चीज़ों को हम लोग अपने व्यापारियों के साथ बैठ के उसमें हल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सरकार वही, व्यापार भी वही और समस्या भी वही, लेकिन आपको प्रवक्ता बनाया गया संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का, तो सरकार के प्रति अपनी समस्या और व्यापारी भाइयों की समस्या किस तरीके से रखेंगे? देखिए, व्यापारी जो इस वक्त हैं, व्यापारी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि हम अगर बात करें कि मैरिज लॉन है, मैरिज हॉल है, उसके अलावा टेंट हाउस वाले हैं, जो कि जैसे छोटे टेंट हाउस वालों की बात करें कि आज के डेट में उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है। अभी बीच में सरकार ने कर दिया है कि 100 लोगों से ज़्यादा शादी में नहीं आ सकते हैं, तो उसमें हुआ क्या कि मैरिज लॉन में लोग जाने लगे, होटल में लोग जाने लगे। तो जो मैरिज लॉन में लोग जाने लगे तो मैरिज लॉन की कैपेसिटी 500-1000 की थी, वो 100-200 लोग, उनका अपना पैसा नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने जो लाइट लगाई, उन्होंने जो टेंट लगाया है, उसके अलावा जो वहाँ पे टैक्सेस वगैरह है, हम उसके खिलाफ सरकार से अपील करेंगे कि जो टैक्सेस वगैरह वहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जो कि एक छोटे से मैरिज लोन को 2-3 लाख रुपए टैक्सेस वगैरह देना पड़ता है, जिसमें भी वाटर टैक्स है और उनका बिल्डिंग टैक्स है और जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं सब मिला के। और उसके अलावा जो छोटे टेंट वाले हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो क्योंकि भाई जाहिरी बात है अब काम बचा नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, कि 4 दिन पहले वो जब इससे पहले ये लॉकडाउन से पहले या सरकार जब थी उससे पहले होता क्या था कि लोग उधार दे दिया करते थे, आज की डेट पे लोग उधार नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाई जाहिरी बात है कहीं फैक्ट्री से उधारी आगे मिल नहीं रही है तो दुकानदार आगे उधार दे नहीं रहा है, तो उनको इस चीज़ की परेशानी होती है। सहालक शुरू होने से पहले उन्होंने एक दुकान से उधार ले लिया, उधार लेने के बाद अपनी सहालक किया, उसके बाद में दुकानदार को पैसा वापस कर दिया, वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी वालों के साथ भी आ रही है। प्रॉपर्टी वालों के साथ समस्या ये आ गई है, जो पहले एंड यूज़र थे वो आज के डेट पे जो लखनऊ आना चाहते थे, लखनऊ में अपना मकान बनाना चाहते थे, जो एंड यूज़र थे, वो एंड यूज़र अब मकान लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाता है। ऐसा नहीं कि मकान प्रोवाइड नहीं है, पैसा अरेंज करना मुश्किल हो गया है उनके लिए, और इन्वेस्टर तो खैर मार्केट से जा ही चुका है, तो प्रॉपर्टी वालों के साथ में ये प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि लखनऊ के थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ प्रॉपर्टी वाले अपना रियल इस्टेट वगैरह चला रहे थे, प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, आज के डेट में वो सब चीज़ें बंद के कगार पे हो गई हैं। छोटे दुकानदार जितने थे, छोटे दुकानदार को भी यही समस्या है कि जो उनके भाई क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई चीज़ पे लगाम नहीं है, सारी समस्या यही है। कोई चीज़ पे जब लगाम नहीं होता है तो वो चीज़ बढ़ने पे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सवाल हम आपसे और पूछेंगे, जिस तरह की महंगाई बढ़ती है तो आम जनता समझती व्यापारियों का बहुत लाभ होता है, तो महंगाई की मार कितनी व्यापारियों पर पड़ती है? देखिए, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा व्यापारियों पे आती है। वो कोई सोचता है कि अगर सपोज दैट एक छोटा दुकानदार है, वो जो होलसेलर से ले रहा है, होलसेलर अगर महंगा दे रहा है तो सोच रहा है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, जबकि उसका प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि आगे से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सपोज दैट डीजल महंगा हुआ, डीजल महंगा होने के बाद में जो चीज़ें दुकानदार तक पहुंची या फैक्ट्री तक पहुंची वो महंगी पहुंची, तो जाहिरी बात है वो रॉ मटेरियल जो भी पहुंचेगा डीजल महंगा होने की वजह से वो महंगा उसके पास ही पहुंचेगा। फिर वो बनाएगा, अब
जब डीजल महंगा हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, तो लेबर भी थोड़ी महंगी हो गई। जब ये सारी चीज़ें महंगी हो गई तो आगे जब सामान पहुंचेगा वो भी महंगा पहुंचेगा। जब हमारे पास महंगा आएगा तो हम जब छोटे दुकानदार को देंगे वो भी महंगा देंगे, तो उसको लगता है कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और इन लोगों का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट हालांकि कम होता जा रहा है। जो प्रॉफिट था, मार्जिन जो था, वो मार्जिन कम हो गया है और अब वो बात नहीं रह पाई है। जैसे पहले त्योहार आते थे तो सारी दुकानों में चक्का चौंध रहते थे, ग्राहक बहुत से आते थे, व्यापारियों को भी लाभ होता था, आम जनता भी खुश होकर जाती थी। तो जब से महंगाई बढ़ी है तब से मार्केट पे कितना असर पड़ा? मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आज की डेट में जो कस्टमर पहले आते थे, जैसे कि सपोज दैट होली आती थी या दिवाली आती थी, दीपावली या ईद है या बकरीद, कुछ भी होता था, तो मार्केट में कस्टमर निकलते थे। आज की डेट में लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं रह जाता है, वो प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है। जो जिस प्रॉफिट से, वो जाहिर बात है अपने पास से तो कोई जो भी बिजनेसमैन होगा मूलधन में से नहीं खर्चा करेगा, जो खर्चा करेगा वो प्रॉफिट में से खर्चा करेगा। तो जो दुकानदार हैं वो सही टाइम पे एक तो सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद ही कस्टमर नहीं आ रहा है। ठीक है, जब सैलरी नहीं मिल रही है तो वो जो उनके यहाँ के बंदे हैं वो आगे परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, या वो खुद भी परचेजिंग नहीं कर पा रहा है जो क्वांटिटी में पहले किया करता था। ऑनलाइन का कितना असर पड़ा है? ऑनलाइन का तो खैर काफ़ी कुछ असर पड़ा है, काफ़ी बाहर की कंपनियां आ गई हैं और जिसमें वो अच्छे अच्छे ऑफर देके और दुकानदारों की जो इनकम है वो कम हो गई है। पहले अच्छी खासी इनकम थी, जो लोग आते थे मार्केट में आते थे और लोग डायरेक्ट देख के और परचेज कर लिया करते थे, आज घर बैठे वो ऑनलाइन देखते हैं, हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, जबकि उनको धोखा मिलता है। भाई अगर आप कोई चीज़ सपोज दैट कि कोई सूट खरीदा, अब आपको नहीं पता है उसमें लिखा हुआ है वो कॉटन का है, जब आपके पास आया वो पता चला कि मिक्स कॉटन है, अब आपने देखा आपको लगा कि हाँ अरे छोड़ो अब कौन वापस करेगा, चलो रख लो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अच्छा दुकान और कस्टमर जब दुकान पे आता है तो वो बहुत जांच परख के लेता है और वहाँ जब ऑनलाइन परचेज करता है तो वो जो भी आता है रख लेता है, कहता है चलो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब वापस करता है, अदरवाइज वापस नहीं करता, तो इसमें दुकानदार का बहुत घाटा होता है। ये तो रही आपकी व्यापारी क्षेत्र की बात, लेकिन आपको प्रवेश प्रवक्ता का भार दिया गया है, तो व्यापारियों के हित के लिए किस तरीके से आवाज उठाएंगे व्यापारी? देखिए हमारे सचिव जी ने, मिस्टर पांडे जी ने, अंजनी पांडे जी ने व्यापारियों के लिए काफ़ी कुछ पहले भी किया है और उस व्यापारियों के लिए, जो व्यापारियों के लिए उन्होंने काम किया है उसमें वो दो तीन बार जेल भी गए हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने हल की है व्यापारियों के लिए, और हम सोचते हैं कि यही चीज़ें हम लोग आगे भी लेके चलेंगे और सरकार से जो भी अपनी डिमांड है वो सामने रखेंगे, जो भी हमारे व्यापारियों के हित में है वो बातें उनसे डिस्कस करेंगे। तो होली की सभी को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? होली में हम यही शुभकामना देना चाहेंगे, हर आदमी सेफ रहे, रंग खेले, मगर इस हिसाब से खेले कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसको भी अगर एलर्जी है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा उससे लोग उसको थोड़ा सा दूर, वो दूर रहे और लोग लिहाज रखें, बस सब सेफ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता आमिर रजा जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। व्यापारियों की समस्या तो बहुत है, समाधान बहुत कम है, सरकार वही, व्यापारी वही, समस्या वही, तो वो तो भविष्य पता चलेगा सरकार कितनी व्यापारियों की समस्या का समाधान करती है। होली विशेष पे हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ की खास शख्स क्या संदेश दे रही है और सभी देशवासियों को, तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।